हेलो एंड राम राम सभी को आपका स्वागत है पनीर के साथ एक नई वीडियो में। आई होप आप सब सेफ एंड हेल्दी होंगे। तो भाई कल मैंने दिखाया था कि दूध फट गया था तो उसका पनीर बना लेंगे, तो आज ये पनीर बन के रेडी है। लाइफ को जितना भी आप पॉजिटिव तरीके से देखोगे ना, लाइफ भी उतना ही पॉजिटिव तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करेगी। जैसे ये एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है, कल दूध फट गया था, अगर मैं यूँ करके बैठी हो, ओहो दूध फट गया, ये हो गया वो हो गया, तो मैंने अच्छे से मतलब दूध फट गया तो ठीक है, पनीर खा लेंगे, पनीर बना के खा लेंगे, पनीर बन जाएगा, क्या दिक्कत है, कोई इशू नहीं है। तो मतलब जितने भी पॉजिटिव तरीके से आप लाइफ को देखोगे ना, उतने ही पॉजिटिव तरीके से लाइफ भी आपको रिस्पॉन्ड करेगी। नो मोर ज्ञान। तो अभी बस मैंने योगा ख़त्म किया था और ये मेरा योगा का मैट अभी भी बिछाई हुआ है, बस इसको उठाती हूँ। और आज रिलैक्सेशन है क्योंकि आज मेरा काम सारा हो चुका है, बाद भी ले लिया है और फिर मैंने योगा किया था, क्योंकि ऐसा होता है ना कि रोज वैसे ही करती थी और आज सारा काम ख़त्म करके बात लेके और फिर योगा किया था। अब बस खाना बनाना रहता है, अब खाना बनाऊंगी और आज सोच रही हूँ कढ़ी बना लूँ, कढ़ी और चावल। तो फिर मिलते हैं बाद में। आज बस काम कुछ नहीं है, खाना बनाना रहता है, बस खाना बनाती हूँ और फिर मिलते हैं बाद में। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 11:25 और मेरा खाना पूरा हो चुका है। वैसे तो खाना आज तो लेट हो गया, लेकिन 10 बजे तक मेरा खाना हो जाता है, आज लेट हो गया और आज थोड़ा सा ज़्यादा काम था इसीलिए लेट हो गया। और यहाँ पे मेरे ना पैर की जो स्किन होती है ना, वो फटी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए क्रैक हील्स आ गई है और बस ये लगाती हूँ, थोड़ा सा आराम हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल छिल गई थी और ना मतलब चलने में भी ना दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो बस अब वो मंगवा दी है और वो लगाऊंगी। और ना आज जो उस दिन मैं दिखा रही थी ना कि क्या बोलते हैं, दो कलर के फूल आए हैं, आज एक नया कलर हो रहा है, दिखाती हूँ कैसा है, बहुत सुंदर लग रहा है, पिंक कलर का है देखो। है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये ना पता है जब दिन निकल जाता है ना, दिन सुबह हो जाती है जब ही खिलते हैं, वरना नहीं खिलते ये, चाहे बारिश का मौसम हो चाहे कुछ भी हो, तब नहीं खिलते ये, अभी खिलते हैं। चलो अब मैंने काफ़ी देर हो गई है और मैं अब सो लेती हूँ थोड़ी देर में, को नींद आई, थोड़ा सा काम करूँगी और फिर सो। तो भाई अब बज चुके हैं शाम के 5 और मैं सो के उठ गई थी, काफ़ी देर होगी, चाय वाय पी लिया था सब। और अभी धूप भी चली गई है और धूप भी चली गई है और कपड़े धो के ये यहाँ पे कपड़े रखे हैं, ये सुखाऊंगी। और देखो मैंने बोला था ना कि मतलब दिन ढलता है जब ये वो जाते हैं, देखो ये वाला था कैसा हो गया, बस ये खिलते हैं सुबह, दिन खिलता है जब ये खिल जाते हैं और शाम के टाइम ये फिर हो जाते हैं, ऐसे मुरझा जाते हैं। और अभी तो बहुत सारे और भी आए हुए हैं और खिलेंगे, रोज़ ऐसे ही होता है, लेकिन सुबह शाम पानी देना पड़ता है। अब पौधों में पानी दूंगी, ये इधर है, ये वाला है और ये इधर है, ये इनमें सब में, बस दोनों टाइम, गर्मी इतनी है कि ना दोनों टाइम पानी देना पड़ता है, दोनों टाइम पानी देती हूँ जब ये थोड़े से बचे हुए हैं, वरना तो बिल्कुल सूख गए थे ये बीच में। तो चलो मैं फटाफट से कपड़े सुखा देती हूँ, कपड़े अब इसलिए धोए हैं क्योंकि ना इस टाइम पे धूप भी चलेगी, धूप में तो ना कपड़े बिल्कुल ऐसे फेड भी हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा धूप लगती है, तो इस टाइम पे ही ठीक है। अब गर्मियों में तो मैं इसी टाइम पे करती हूँ, वरना बिल्कुल सुबह मतलब यहाँ पे इस तरफ धूप आती है 1 बजे, उससे पहले धो के सुखा देती हूँ, सूख जाते हैं उतार लेती हूँ, धूप में नहीं डालती, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है इसीलिए। चलो फिर मैं सुखा देती हूँ और मिलते हैं फिर बाद। तो भाई रात के बन चुके हैं 9 और अब खाना पीना सब कर लिया था, वॉकिंग वगैरह सब कराए और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पता नहीं कैसे सर्वाइव होगा गर्मी में, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है मेरे को तो ना, बहुत ज़्यादा।
तो चलो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तब तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो। टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय, गुड नाइट।